मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 8 बजे का टाइम दिया था, 8 बज रहे हैं। मैं बंसी धमेजा, भारतीय सिंधु शक्ति की तरफ से आज के आयोजित प्रोग्राम में आपके सामने पेश हो रहा हूँ फेसबुक लाइव। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दीपक गुरनानी जी, आपका स्वागत है। अनुपा ज्ञानचंदानी जी, आपका स्वागत है। रीटा जी, आपको स्वागत है। मैं सब नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि वक्त फिर इसी में गुजर जाएगा, तो अगर मैं ना लूँ नाम तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। आज बुधवार है, मौसम खुशगवार है। सेंटर में मोदी जी की सरकार है, उनका बहुत कुछ देश के लिए करने का विचार है, मगर विपक्ष उन पर करता रहता तीखा प्रहार है। पर मोदी जी के पास शक्ति अपार है, इस नाचीज बंसी का आप सबको इस प्रोग्राम में प्यार भरा नमस्कार है। अब सब हम जानते हैं, हम कोरोना के वजह से अपने ही पिंजरों में हैं। वैसे तो इंसान जानवरों को और पक्षियों को पिंजरे में रखता है, पर कुदरत ने ऐसा खेल खेला है कोरोना वायरस ने कि हमें अपने ही पिंजरों में बंद कर दिया। उसने अपना पिंजरा नहीं बनाया, हमारा पिंजरा है। अब जब हम पिंजरों में बंद हैं तो हम आपस में बैठे हैं। अब होता ये है कि जिनके तो रिश्ते अच्छे हैं तो उनके लिए तो बहुत ही अच्छा वक्त गुजर रहा है, आपस में मेल जोल जिनका अच्छा है। पर अगर जिनके रिश्ते अच्छे नहीं हैं उनका सोचो क्या होता होगा। मैं कुछ नहीं कहूँगा। दुनिया में पहली सांस लेते ही रिश्तों से जुड़ जाते हैं। हम अकेले ज़िंदगी जी नहीं सकते क्योंकि इंसान हैं हम। वैसी होगी ज़िंदगी हमारी रिश्ते जैसे बनाएंगे हम। तो हमारी ज़िंदगी हमारे रिश्तों पे बनती है। हमारा जन्म से रिश्ते बनते हैं, माँ बाप, भाई बहन वगैरह वगैरह, पड़ोसी हैं, और रिश्ते हमारे रास्ते में चलते भी बनते हैं, ट्रैवलिंग में बनते हैं, टेम्पररी रिश्ता होता है उसमें भी। आप देखेंगे कि अगर हम वहाँ पर अच्छा रिश्ता जोड़ पाते हैं तो हम ज़्यादा अच्छा सफ़र कर पाते हैं। इसी तरीके से ज़िंदगी का सफ़र भी उसी पे ही है। तो हम रिश्ते अच्छे बनाएंगे तो ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी। अब ये तस्वीर साथी है, ये मेरी दोस्त, मेरी हमसफ़र, मेरी जीवन संगनी विमला है, मेरी वाइफ, मेरी पत्नी। इसके बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो वो इसलिए कि रिश्ता ऐसा है, आज भी रूहानी संबंध उसका मेरे साथ है। 24 जुलाई 2016 को ये अलविदा कर गई। ऐसी क्षमा बनकर मेरी ज़िंदगी में आ गई, ज़िंदगी के हर लम्हे को रोशनी से भरकर चली गई। रोशनी इतनी फैला कर गई कि ज़िंदगी का अंधेरा हमेशा के लिए दूर कर गई। अब इसके जाते जाते भी यार वो ऐसा काम कर गई, मुझे एक ज़िंदगी जीने का एक नया मकसद दे गई, अब इसके जाने के बाद ही मेरी राइटिंग हुई, किताबें छपी, 8 किताबें मेरी आज तक छप चुकी हैं। लास्ट ईयर जून तक, इस साल देखें, खुदा ने चाहा तो कुछ और आपके सामने रखूँगा। जहाँ इसका ज़िक्र होता है तो इसके उठाला था, तो हम सिंधी में इसको पगड़ी चौंधा है,
पगड़ी में इन्होंने जो उठाला था शोक सभा, तो उसके लिए यही तस्वीर बन के आई थी। रात को नींद नहीं आ रही थी तो तस्वीर के पास सामने आकर बैठ गया, तो मेरे कुछ कुछ विचार चलने लगे और मैंने कुछ कविता बनी। मुझे तो लगता है इसी ने लिखवाई है। देखकर तस्वीर तेरी तुझसे बातें करता हूँ, देखकर तस्वीर तेरी करता हूँ, नहीं दो भी जवाब फिर भी बातें करता हूँ। छुपा कर रखे थे कुछ, वो अब सारे राज दिल खोलकर तेरे सामने रखता हूँ, देखकर तस्वीर तेरी तुझसे बातें करता हूँ। जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया तूने, जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया तूने, अपने को दुखी करके भी अपना फर्ज निभाया तूने। जब भी डगमगाए कदम मेरे, मेरा हाथ थामा तूने, जब भी डगमगाए कदम मेरे, मेरा हाथ थामा तूने, ये सब सोचकर बहुत खुश होता हूँ, बहुत खुश होता हूँ, देखकर तस्वीर तेरी तुझसे बातें करता हूँ। जब दो परिंदों को साथ देखता हूँ तुझे याद करता हूँ, तुझे हर पल अपने साथ महसूस करता हूँ। तिनका तिनका जोड़ बनाया आशियाना हमने, तिनका तिनका जोड़ बनाया आशियाना हमने, वो हर तिनका बार बार याद करता हूँ। कितनी हसीन जिंदगी गुजारी मैंने तेरे साथ, कितनी हसीन जिंदगी गुजारी, लोगों के साथ आज भी जिंदगी जीता हूँ। तेरे जाने का गम तो है, तेरे जाने का गम तो है, मगर एक खुशी का एहसास भी है। तेरे जाने का गम तो है मगर एक खुशी का एहसास भी है, न ज़्यादा न ज़्यादा दुख दिया तूने, हर जन्म में मिले साथ तेरा, खुदा से इल्तिजा करता हूँ, तेरी तुझसे बातें करता हूँ। अब जिंदगी हमें भगवान से भी ज़्यादा मैं माँ और बाप को मानता हूँ। जीवन पथ पर चलते चलते बहुत दूर मैं आ गया हूँ, जीवन पथ पर चलते चलते बहुत दूर मैं आ गया हूँ, प्रभु ने इतनी शक्ति दी है अभी तक मैं थका नहीं हूँ। जीवन पथ पर चलते चलते प्रभु ने इतनी शक्ति दी है अभी तक मैं थका नहीं हूँ। 31 मई को मैं 80 साल का हो जाऊँ। प्रभु ने इतनी शक्ति दी है अभी तक मैं थका नहीं हूँ। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत मुझे याद आता है, पीछे मुड़कर देखता हूँ तो बहुत कुछ मुझे याद आता है। हाथ जलाकर रोया हूँ, ठोकर खाकर संभला हूँ, ठोकर खाकर संभला हूँ, हाथ जलाकर रोया हूँ, जीवन पथ पर चलते चलते कहीं दूर में आ गया। जब मैं छोटा बच्चा था माँ मुझको समझाती थी, जब मैं छोटा बच्चा था माँ मुझको समझाती थी, बोलती थी दो दूत हमारे कंधों पर सदा साथ रहते, बायां लिखता कुकर्म हमारे, दायां सत्कर्म लिखता है, जब जाएंगे धर्मराय के पास वो सारा लेखा जोखा देखेगा, जब जाएंगे धर्मराय के पास वो सारा लेखा जोखा देखेगा, हमारे कर्म अनुसार हमें फल देगा, अगला जीवन वैसा ही जीना होगा। बोलती थी दूर रहो झूठ मकारी से, दूर रहो झूठ मकारी से, सत्कर्म सदा ही किया करो, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश मैं करता आया हूँ, जीवन पथ पर चलते चलते बहुत दूर में आ गया हूँ, प्रभु ने इतनी शक्ति दी है अभी तक मैं थका नहीं। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ जीवन के मसले आते थे, सबके आते हैं, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ जैसे को तैसा करना मेरे विचार हुआ करते थे, अपनी तोड़ बंसी अपनी तोड़ निभा तू वो उसकी वो जाने, बंसी अपनी तोड़ निभा तू उसकी वो जाने, मेरे कहते थे जीवन को फर्ज समझकर जिया करो, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की कोशिश मैं करता आया हूँ, जीवन पथ पर चलते चलते बहुत दूर मैं आ गया हूँ, प्रभु ने इतनी शक्ति दी है अभी तक मैं थका नहीं। अब बात हो रही थी रिश्तों की, घर में बैठे हैं सब, तो कुछ घर के ऊपर चंद लाइनें आपके सामने रखता हूँ। मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जो भी देख रहे हैं
क्योंकि नाम लेने लगूंगा तो ये सब तो वक्त गुजरता जाएगा. आई एम थैंकफुल टू यू ऑल दोज हु आर वॉचिंग. आई एम ग्रेटफुल कि आप वक्त निकाला और मुझे आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं. घर बनता है रहने वालों से, घर बनता है रहने वालों से, न दीवारों से, न दरवाज़ों से, न कमरों से, न आंगन से, घर बनता है रहने वालों से. एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया, एक बहुत बड़ा प्लॉट लिया, बहुत बड़ा मकान बनाया, आगे आंगन पीछे आंगन, पेड़ पौधे भी खूब लगाए, बड़े बड़े शयन कक्ष बनाए, झूमर लाइटों से सजाए. बाहर का पेंट ऐसा था चाँद की चांदनी में चमचम चमकता था, बाहर का पेंट ऐसा था चाँद की चांदनी में चमचम चमकता था. अखबारों में चर्चे होते, मैगजीनों में फ़ोटो छपते, दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, दूर दूर से लोग उसे देखने आते हैं, मगर किसी कारणवश कोई रहने नहीं आया, मगर किसी कारणवश कोई रहने नहीं आया. बंद पड़ा रहा कई सालों से, भर गया मकड़ी के जालों से. घर बनता है रहने वालों से, न दीवारों से, न कमरों से, न दरवाज़ों से, न आंगन से, घर बनता है रहने वालों से. मकान चाहे बड़ा क्यों ना हो, उसमें चाहे लोग रहते हों लेकिन आपस में झगड़ते हों, भाई का दुश्मन भाई हो, नाक चढ़ी भौजाई हो, बच्चों की इज्जत होती ना हो, छोटों को प्यार मिलता ना हो, हर बात में आपस में झगड़ा हो, प्रॉपर्टी को लेकर रगड़ा हो, मशहूर हो जाएगा अफसानों से, मशहूर हो जाएगा अफसानों से, दुनिया बात करेगी उनकी, मशहूर हो जाएगा अफसानों से. घर बनता है रहने वालों से, न दीवारों से, न कमरों से, न आंगन से, न दरवाज़ों से, घर बनता है रहने वालों से. मकान चाहे छोटा क्यों ना हो, उसमें चाहे दो या दस रहते हों लेकिन प्यार से रहते हों, चोट एक को लगती हो दर्द औरों को होता हो, चोट एक को लगती हो दर्द औरों को होता हो, रूखी सूखी खाकर भी चैन की नींद से सोते हों, घर वही कहलाएगा, भगवान भी वहीं रहना चाहेगा. घर बनता है रहने वालों से, न दीवारों से, न दरवाज़ों से, न कमरों से, न आंगन से, घर बनता है रहने वालों से. अब एक चीज़ सुन लीजिए, अपना घर अगर घर नहीं तो घर उसको अपना बना लो, अपना घर अगर घर नहीं तो घर उसको अपना बना लो. जो भी साथ में रहते हैं प्यार से रहना सबको सिखा दो. नामालूम कब कौन घड़ी उसका बुलावा आ जाएगा, नामालूम कब कौन घड़ी उसका बुलावा आ जाएगा. जिसके लिए भी लड़ते हैं सब यहीं रह जाएगा, रह जाएंगी बातें पीछे कुछ खट्टी कुछ मीठी, रह जाएंगी बातें पीछे कुछ खट्टी कुछ मीठी. अगर तो बातें अच्छी होंगी याद करेंगे अच्छे से. घर बनता है रहने वालों से, न दीवारों से, न दरवाज़ों से, न कमरों से, न आंगन से, घर बनता है रहने वालों से. तो ये रहने की बात हो गई. अब कुछ कविताएं ही सुनाऊंगा, फिर कुछ कहानी सुनाऊंगा. मन में तो ऐसा सोचा है, कुछ अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करूंगा कि आपको आनंद आए. और आप मुझे फीडबैक ज़रूर दे दीजिएगा, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा प्लीज़, उसके लिए मुझे मैं माफ़ी चाहूंगा. अब ये कविता एक्चुअली मैं तो कहता हूँ लिखी गई, मैं कोई शायर या लेखक नहीं हूँ. थैंक यू सर. मैं लेखक नहीं हूँ, शायर नहीं हूँ, मैं साहित्यकार नहीं हूँ. मेरे से कुछ लिखा गया तो मैं एक कविता, वो काफ़ी करीब है, चाहे वो पहली कविता है. दुनिया बनाने वाले तुझे सत्ययुग क्यों न भाया जो तूने कलयुग बनाया, दुनिया बनाने वाले तूने कलयुग बनाया. रिश्ते नाते टूट रहे हैं, रिश्ते नाते टूट रहे हैं, भाई भतीजे छूट रहे हैं, भाई भाई को लूट रहा है. रिश्ते नाते टूट रहे हैं, भाई भतीजे छूट रहे हैं, भाई भाई को लूट रहा है, भाई बहन से छूट रहा है, सारे टूट रहे हैं. एक दिन ऐसा आएगा सब रिश्ते टूट जाएंगे, जो डाइवर्सिस हो रहे हैं. एक दिन ऐसा आएगा सब रिश्ते टूट जाएंगे, टूट जाएगा हर परिवार, बिखर जाएगा तेरा संसार. संसार उसी का ही है. टूट जाएगा हर परिवार, बिखर जाएगा तेरा संसार. कई बार जन्म तूने लिया है, इंसान का जीवन तूने जिया है, धेले हैं दुख सुख भी तूने, मर्यादा का पालन भी तूने किया है, गीता का ज्ञान भी तूने दिया है, फिर भी इंसान न बदला, फिर भी इंसान न बदला. पैसा सबको सबसे प्यारा, पैसा सबको सबसे प्यारा, हर कोई इसके पीछे दौड़ रहा है मारा मारा.
पैसा सबको सबसे प्यारा दौड़ रहा है, मारा मारा झूठ फरेब है बढ़ता जाता, कोई किसी पे तरस न खाता। झूठ फरेब है बढ़ता जाता, कोई किसी पे तरस न खाता। काम क्रोध लोभ मोह है बढ़ रहे, सदाचार है घटरा। काम क्रोध लोभ मोह है बढ़ रहे, सदाचार है घटरा। लूटपाट बलात्कार है बढ़ रहे, रावण वृत्ति बढ़ रही है। ये सब रावण के गुण है, रावण वृत्ति बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा सब रावण बन जाएंगे, एक दिन ऐसा आएगा सब रावण बन जाएंगे। एक रावण के लिए तुझे जमीन पे आना पड़ा था, एक रावण के लिए तुझे जमीन पे आना पड़ा था। सोच जब सब रावण बन जाएंगे तुझे क्या कुछ न करना पड़ेगा। तू कुछ कर क्यों ना रहा है, तू कुछ कर क्यों ना रहा है। मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या है, तू जाने तेरा संसार। तू कुछ कर क्यों ना रहा है, मैं तो चला जाऊंगा, मेरा क्या है, तू जाने तेरा संसार। तेरी गतमत बंसी समझ न पाया, तेरी गतमत बंसी समझ न पाया। एक विचार है मन में आया, ऐ खुदा करता हूँ इल्तिजा तुझे, ऐ खुदा करता हूँ इल्तिजा तुझे। दे इतनी मन की शक्ति मुझे, बुरा न सोचूं न बुरा करूं मैं किसी का। हो सके तो मददगार बनूं मैं सबका, हो सके तो मददगार बनूं मैं। मेरा स्वाद छुपा है इसमें भी, मेरा स्वाद छुपा है। आखिरी सांस खुशी से मैं ले सकूं, ये दुनिया खुशी से मैं छोड़ सकूं। ये सोच के कि मैंने जीवन व्यर्थ न गवाया, कभी किसी का काम तो आया, कभी किसी के काम तो आया। तो इससे की बात हो गई है, मुझे टाइम का अंदाज नहीं लग रहा है, तो आधे घंटे तक तो बोलना चाहूँगा, कुछ और बातें। अच्छा, एक कहानी सुनाता हूँ, कविता के रूप में है, पुराने टाइम की कहानी है, दिल्ली की कहानी है, जब जगह जगह पे मॉल्स वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे। ये कहानी है दिल्ली की, ये तोता मैना की कहानी है, जैसे हमने बचपन में सुनी। ये कहानी है दिल्ली की, दिल्ली के दो हिस्से हैं, एक नई एक पुरानी, दोनों के कई हिस्से हैं, हर हिस्से के किस्से हैं। कैनॉट प्लेस है, एक यहाँ घूमते हैं दिल फेंक यहाँ, जब सूरज ढल जाता है, अप्सराओं का अवतरण होता है, गंधर्वों का भ्रमण होता है, लाइटें जगमग जगती हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। ये सबसे सुंदर हिस्सा है, ये यहीं का किस्सा है, ये यहीं का किस्सा है, तोता मैना किस्सा। कैनॉट प्लेस के एक पार्क में एक नीम के तरोवर पर दो पक्षी रहते थे। एक डाल पर मैना थी, मैना बहुत ही सुंदर थी, ऊंचे घर की बेटी थी, अंग्रेजी में गाती थी, हिंदी में शर्माती थी। घर की बेटी थी, अंग्रेजी में गाती थी, हिंदी में शर्माती थी। एक डाल पर तोता था, तोता सीधा साधा था, बैठा बैठा रोता था, घर का बच्चा था, हिंदी में वो अच्छा था। मौसम कुछ कुछ सर्द हुआ, मौसम कुछ कुछ सर्द हुआ, हमदर्दी का दर्द हुआ। मौसम कुछ कुछ सर्द हुआ, हमदर्दी का दर्द हुआ। मैना बोली हाउ डू यू डू, मैना बोली हाउ डू यू डू। तोता बोला व्याकुल हूँ, तोता बोला व्याकुल हूँ, मैं ऊपर उड़ जाता हूँ, फिर नीचे आ जाता हूँ, फिर ऊपर उड़ जाता हूँ, पथ की कोई दिशा नहीं, पथ का कोई अंत नहीं। मैना बोली ये मॉडर्न ज़माना है, बाहर निकलो दोस्त, बाहर निकलो दोस्त बनाओ, चांस बने रोमांस करो, डांस करो। बाहर निकलो दोस्त बनाओ, चांस बने रोमांस करो। तोता बोला थोड़ा सा मैं हरी जप लूँ, थोड़ा सा मैं तप कर लूँ। मैना बोली बूढ़े होकर हरी जपना, जंगल में जाकर तप करना। बातें उनकी चलती रहीं, मित्रता उनकी बढ़ती गई, बातें उनकी चलती गईं, मित्रता उनकी बढ़ती गई। एक दिन कुछ शरारती लड़कों उड़कर इंडिया गेट गए, कुछ शरारती लड़कों के शोरगुल से तंग आकर उड़कर इंडिया गेट के हरी घास पर लेट गए। हवा चली, मंद मंद हवा चली, लव मैरिज की बात चली। मैना बोली आई लव यू, मैना बोली आई लव यू। तोता बोला प्यार मैं तुमसे करता हूँ, मैं भी तुम पर मरता हूँ, कल कुसुम कलीसी खिलकर तुम, 8 बजे फिर आना तुम। तोता 8 बजे पहुँच गया, मैना को कुछ पता न था। ये लव का आखिरी हिस्सा है। तोता 8 बजे पहुँच गया, आँखों में आंसू भरकर देख रहा था इधर उधर, उसकी मैना गई किधर।
आंखों में आंसू भरकर देख रहा था इधर उधर, उसकी मैना गई किधर, इतने में कोमल कर आके टिका कंधे पर। मैना बोली है कम, तोता बोला और निर्मम, सब कुशल तो है। मैना बोली एक साथी मुझे मिल गया है, अंग्रेजी में वो अच्छा है, कहता है वो है रम, मैं हूँ विस्की, वो है रम, साथ रहेंगे हम और तुम, मैं तो केवल कहने आई, इंतजार न करना मेरा तुम। जमीन तोते की खिसक गई, जमीन तोते की खिसक गई, जबान मुंह में अटक गई। दूर खड़ी एक मैना थी, मैना बहुत ही बूढ़ी थी, उड़कर इनके पास आई, आकर मैना से बोली मैंने भी अपनी जवानी में ऐसा ही कुछ कर डाला, मुझको भी एक मिल गया था जो कहता था मैं हूँ विस्की वो है रम, उसके चक्कर में आकर एक अच्छा साथी छोड़ दिया, उससे नाता जोड़ दिया, कुछ दिन साथ रहे हम दोनों, फिर वो किसी और को लेके हो गया फुर। ये तोता सच्चा साथी है, तुझको सुख देगा, बात मैना के समझ में आई। मैना बोली आई एम सॉरी, तुझसे ब्याह रचाऊंगी, सातों वचन निभाऊंगी, तुझसे ब्याह रचाऊंगी, सातों वचन निभाऊंगी। सारे बंधन टूट रहे, दोनों मिलकर एक हुए, सारे बंधन टूट गए, दोनों मिलकर एक हुए। आज भी उसी तरवर पर दोनों वहाँ पर रहते हैं, बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। आज ही उसी तरवर पर दोनों वहाँ पर रहते हैं, बहुत ही बूढ़े हो गए हैं। आने जाने वालों को सदा वो कहते रहते हैं साथी ऐसा ना चुनना जो विदेशी रंग में रंगा इतना, साथी ऐसा ना चुनना जो विदेशी रंग में रंगा इतना, अपनी सभ्यता भूल गया हो, विदेशी रंग में रम गया हो। हम साथ साथ जन्म निभाते हैं, हम साथ साथ जन्म निभाते हैं, वो एक निभा नहीं पाते हैं। आने जाने वालों को सबको ये समझाते हैं, कोई समझे या ना समझे ये अपना फ़र्ज निभाते हैं। और आपस में वो कहते हैं I love you and you love me, I love you and you love me। तो ये इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत की बात हो गई। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब प्यार मोहब्बत की बात आई तो फिर कुछ लाइनें प्यार पे कह देता हूँ। एक हसीना थी एक दीवाना था, एक हसीना थी एक दीवाना था, दोनों मोहब्बत करते थे। एक हसीना थी एक दीवाना था, दोनों मोहब्बत करते थे, बे इंतहा मोहब्बत करते थे। जब भी आपस में मिलते थे प्यार की बातें करते थे। दो जिस्म थे मगर एक जान थे, वो एक दूसरे के बगैर रह सकते न थे। जब भी मोहब्बत की बातें होती लोग उनकी बातें करते थे। एक हसीना थी एक दीवाना था, दोनों मोहब्बत करते। एक दिन मौत की आंधी आई, एक दिन मौत की आंधी आई, उड़ा ले गई हसीना को। एक दिन मौत की आंधी आई, उड़ा ले गई हसीना को। बादल गरजे बिजली करती, एक आवाज़ आसमान से आई। बादल गरजे बिजली करती, एक आवाज़ आसमान से आई। एक वादा था एक वादे के पीछे, एक वादा था एक वादे के पीछे, तू मिलेगा मुझे हर मोड़ हर गली हर दरवाजे के पीछे। एक तू ही था जिससे मोहब्बत की थी, एक तू ही था जिससे मोहब्बत की थी, और तू ही न था मेरे जनाजे के पीछे, एक तू ही न था मेरे जनाजे के पीछे। एक आवाज़ और आई, वादा था एक वादे के पीछे, मैं मिलूँगा तुझे हर गली हर दरवाजे हर मोड़ के हर पीछे। तूने ही ज़रा मुड़कर पीछे ने देखा, मेरा जनाजा था तेरे जनाजे के पीछे। तो ये है प्यार की बातें, जहाँ इश्क और मोहब्बत है और उसके बगैर ज़िंदगी नीरस है। हम दोस्तों हमेशा चाहते हैं हमें दूसरों से प्यार मिले, इज्जत मिले, उसके लिए मेरा सोचना है वी हैव टू बी गिवर्स फर्स्ट। हम पहले देना सीखें, जो हम दूसरों से चाहते हैं हम दें, तो उसमें हमें मल्टीफोल्ड हमें मिलेगा। तो इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ, सोचता हूँ बी ए गिवर, यू विल ऑटोमेटिकली बिकम अ रिसीवर। भरपूर मिलेगा, भरपूर मिलेगा। तो मुझे टाइम नहीं पता यार, घड़ी रखी नहीं, ओ काफ़ी टाइम हो रहा है, 8:25 हो रहा है, मुझे बातों में पता ही नहीं लगा। तो अब 5:58 तो अब अंत की तरफ ही बढ़ लेते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुना देता हूँ, मेरी लिखी हुई है।
रमेश एक नौजवान ट्रेन में बैठा हुआ था और खिड़की वाली सीट पर, उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी, मसूरी में रहता था और चश्मा लगा के रखता था, बड़ा अच्छा हैंडसम बैठा, और वो अपनी कमज़ोरी किसी पे दिखाने नहीं चाहता था। तो उसने सैंडल की आवाज़ से और परफ्यूम से समझा कि कोई लड़की उसके सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई है। उस लड़की के माँ बाप उसको समझा रहे थे, बेटे ध्यान रखना, किसी से बात नहीं करना, ज़माना ख़राब है, ऐसा न सो नहीं जाना, ऐसा ना हो कि नींद आ जाए तुझे, तेरा सहारनपुर निकल जाए, वगैरह वगैरह वगैरह। हर माँ बाप के लिए बच्चे जो होते हैं ना, जितने भी बड़े हो जाए वो छोटे ही रहते हैं। जैसे ही ट्रेन चली तो रमेश ने कहा, आपने परफ्यूम बहुत अच्छी लगा रखी है। तो उसने बोला कि मेरी मासी मुझे मंगवा कर देती है। रमेश ने कुछ आगे बढ़ाना चाहा, आप भी देहरादून तक जा रही हैं? नहीं, मैं तो सहारनपुर उतरूँगी, मैं तो देहरादून जाऊँगा, वहाँ से मुझे मसूरी जाना है। मसूरी का नाम सुनते ही उस लड़की के मन में काफ़ी रौनक आ गई चेहरे पर। तो रमेश फिर उसको वो बोली कि मेरा भी मसूरी जाने का मन करता है, पर मेरा कभी चांस बना नहीं है। सहारनपुर तक तो मैं आती रहती हूँ अपनी मौसी के पास, पर मैं जा नहीं पाई, और सुना है मसूरी बहुत खूबसूरत है, इन दिनों में तो बहुत अच्छा हूँ। तो रमेश ने उसका वहाँ का नज़ारा, वहाँ की पहाड़ियाँ वगैरह वगैरह सब कुछ सब उसको बताता रहा। बड़े अच्छे से इनका सफ़र गुजर गया। तो सहारनपुर आ गया, मैं थोड़ा जल्दी ख़त्म कर रहा हूँ। तो सहारनपुर आ गया तो लड़की उठी, तो रमेश भी साथ साथ गया गेट तक। लड़की गेट से उठ करके निकल गई तो एक शख्स अंदर आया, वो इसके साथ साथ ही आगे आ गया और आकर इसके सामने वाली सीट पे बैठते बैठते उसने कहा कि मैं आपको उतनी अच्छी कंपनी तो नहीं दे पाऊँगा जितनी आपकी कंपनी अच्छी की है। बीच में कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो वो बोला कि मैं आपको इतनी अच्छी कंपनी तो नहीं दे पाऊँगा जितनी अच्छी कंपनी अभी उतरी है। तो रमेश ने इग्नोर करते हुए उसको सुना अनसुना करके, रमेश पूछता है उससे, अभी जो ये लड़की उतरी है उसने बाल कैसे बनाए हुए थे? जूड़ा बना हुआ था या खुले हुए बाल थे या शोल्डर कट थे? तो उस शख्स ने कहा, मैंने तो उसके बालों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मैंने उसके बालों पर कोई ध्यान नहीं दिया, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, मगर उसकी आंखें बहुत खूबसूरत थी, पर बेचारी आंखों से देख नहीं सकती थी। रमेश मन में सोचने लगा, कैसा भी होता है, रमेश को भी दिखता नहीं था, वो लड़की से मुलाकात हुई उसको भी दिखता नहीं था। टाइम तो घड़ी में 8:30 बज गए हैं जो हमने सोचा था, मन में तो बहुत सी बातें हैं आपसे करूं, और मैं देख रहा हूं आप लोग सब देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल फॉर लिसनिंग मी पेशेंटली। मैं नाम सब नहीं ले पाऊंगा, प्लीज़, ये निकलते गए हैं, कुछ जुड़ते गए हैं, कुछ बदलते गए हैं, एक स्टेज पे बहुत हो गए थे, तो मैं यहीं पे ही आपसे अलविदा कहता हूँ, मिलूँगा, फिर मिलूँगा। मन में तो है आपका फीडबैक चाहूँगा, एक्चुअली आप मुझे थोड़ा सा फीडबैक बताएंगे तो थोड़ा सा एक विश्वास भी बनेगा आगे के लिए। एक विद्या जी हैं, थैंक्स, देवी बालदानी, कुछ नाम मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं सबके नाम प्लीज़ नहीं ले पाऊँगा, तो मुझे इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। तो मैं यहीं पर ही भारतीय सिंधु शक्ति का शुक्रगुजार हूँ, और उसमें दीपक जी का काफ़ी सहयोग रहा है, और मन में है कि ऐसे फिर हम मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए अलविदा, अलविदा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू ऑल, थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सर, थैंक यू। कुछ बोलूँ और? अगर तो कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग मुझे देख रहे हैं, तो उससे मुझे एक हौसला अफजाई होती है कि कुछ और मैं आपको कहूँ, कुछ और सुनाऊँ। मैं थोड़ा सा और सुना देता हूँ, अपना लिखा हुआ है, कुछ कुछ चीज़ें याद हैं।
अब मैं बात कर रहा था अपनी ज़िंदगी पे, अपने रिश्तों पे, अपने घर पे। तो भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता का भगवद गीता का अनुवाद मेरे हाथों हुआ है, तो उसमें जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में हमारे कर्म अनुसार घटता है, सब कुछ हमारे जीवन में हमारे कर्म अनुसार होता है। तो उस कर्म पे कुछ लाइनें, उनका तो कहना ये है कि हमें परिवार भी कर्म में नेटवर्क के मैसेजेस आ रहे हैं, आई एम सॉरी जी, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। तो कहते हैं कि सब कुछ हमारे जीवन में हमारे कर्म अनुसार मिलता है, इवन हमारा जो जन्म होता है वो भी हमारे कर्म अनुसार होता है, और कर्म अनुसार ही हमारी ज़िंदगी में सब आते हैं। कुछ प्यार मोहब्बत देने वाले आएंगे, कुछ दुख देने वाले आएंगे, कुछ मदद करने वाले आएंगे, कुछ नुकसान करने वाले, सब हमारे कर्म अनुसार ही होता है। तो कर्म पे एक छोटी सी कविता मैंने लिखी है, वो आपको सामने अर्ज करता हूँ। सब कर्मों का खेल है भाई, अब इसकी तस्वीर आ नहीं रही, मैं इसके बगैर इनकम्प्लीट समझता हूँ, एक्चुअली आई एम नॉट एबल टू एडजस्ट, एनीवे। सब कर्मों का खेल है भाई, जितना जल्दी समझेगा उतना लाभ उठाएगा, बुरे कर्म का फल अच्छा कभी नहीं हो पाएगा, अच्छे कर्म कर ले तू बंदे वरना फिर पछताएगा। सब कर्मों का खेल है भाई, जितना जल्दी समझेगा उतना लाभ उठाएगा, बुरे कर्म का फल अच्छा कभी नहीं हो पाएगा, अच्छे कर्म कर ले तू बंदे वरना फिर पछताएगा। बुरे कर्म करने वाले अक्सर खुशहाल दिखते हैं, बुरे कर्म करने वाले अक्सर खुशहाल दिखते हैं, एक खुशी का मुखौटा सदा वो पहने रहते हैं, अंतःकरण उनका उन्हें झंझोड़ता रहता है, हकीकत से भागने के तरीके ढूंढते रहते हैं। बुरे कर्म करने वालों को ऊपरी सम्मान मिलता है, अंदर से सब जानते हैं कि वो बुरा इंसान कितना है, अंतकाल जब आता है सब झूठे आंसू बहाते हैं, अंदर से वो जानते हैं अच्छा हुआ वो चला गया, ऐसा सभी मानते हैं। बुरे कर्म का फल अच्छा कभी नहीं हो पाएगा, अच्छे कर्म कर ले तू बंदे वरना पछताएगा। जो बीत गया सो बीत गया, लौट के फिर ना आएगा, जो बीत गया सो बीत गया, लौट के फिर ना आएगा, जो कर दिया सो कर दिया, उसे बदल ना पाएगा। अच्छे बुरे कर्मों का फल तू ही भोगेगा, कुछ इस जन्म में भोगेगा, कुछ अगले में जन्म में पाएगा। इसीलिए कहता हूँ बंधु आने वाले कल की सोच, इसीलिए कहता हूँ बंधु आने वाले कल की सोच, अच्छा कुछ तू सोचेगा अच्छा तू कर पाएगा। क्षण भर रोज रात को सोच आज तूने क्या है किया, क्षण भर रोज रात को सोच आज तूने क्या है किया, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया मन तेरा बतलाएगा। मन दर्पण है, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया मन तेरा बतलाएगा। अगर तुझसे कुछ बुरा हुआ हो या तूने कुछ बुरा किया हो, क्षमा याचना करने से मन हल्का हो जाएगा, मन का सुख भी पाएगा। कुछ दिन ऐसा करते करते एक दिन ऐसा आएगा, चाह कर भी बुरा किसी का तू कर ना पाएगा, चाह कर भी बुरा किसी का तू कर ना पाएगा। पहले जो घृणा करते थे उनका भी प्यार तू पाएगा, अंतकाल जब आएगा सब मन से आंसू बहाएंगे, अंतकाल जब आएगा सब मन से आंसू बहाएंगे, इज्जत से तुझे याद करेंगे तुझे भुला ना पाएंगे, इज्जत से तुझे याद करेंगे तुझे भुला ना पाएंगे, तुझे भुला ना पाएंगे, तू अमर हो जाएगा। अच्छे कर्म कर ले तू बंदे वरना फिर पछताएगा, बुरे कर्म का फल अच्छा कभी नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। अब थोड़ा आगे बढ़ें, ऐसे तो मन करता है कुछ कुछ आपको सुनाता जाऊं, पर वक्त ही है, मुझे तो कहा गया था आधे घंटे के लिए, कुछ कंडीशंस है पता नहीं, फेसबुक का जो आता है ना वो फिनिश करके आ जाता है, रिज्यूम करना पड़ता है इसको, तो चलो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ा दूँ। अब थोड़ी सी अलग से बात करते हैं, थोड़ा अलग से, थोड़ा हटके, जो मेरे मन के अपने विचार हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा। कि सभी हम चाहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी हो, हर एक ही तंदुरुस्ती चाहता है, कोई भी बीमार पड़ना नहीं चाहता। अब उसको शरीर का रख रखाव से ही हमारी तंदुरुस्ती बनती है। अब रख रखाव अगर शरीर का करना है, जैसे मैं कहता हूँ, अगर मैंने एक कोई भी पंखा ले आया है, सपोजिंग कोई मशीनरी ले आते हैं, तो हम चाहते हैं वो हमारे साथ दे जितना टाइम है, तो उसका भी रख रखाव मेंटेनेंस चाहिए। तो उसका मेंटेनेंस करने के लिए ये चाहिए होता है कि हमें पता होना चाहिए वो चीज़ किस लिए है, किस हालात में काम करती है, उसका क्या
क्या काम है और कैसे काम कराएंगे, जब ये जानकारी हो जाती है तो हम उसका अच्छे से रख रखाव भी कर सकते हैं, मेंटेनेंस कर सकते हैं। और इसी तरीके से हमारा शरीर है, अब हमें शरीर को जानना है कि हमारा शरीर कैसे काम कर, अगर वो जानकारी होगी तभी हम सेहतमंद हो पाएंगे। अब शरीर में नॉर्मली हम सोचते हैं कि दिमाग से काम होता है, दिमाग एक अहम हिस्सा है आजकल के कंप्यूटर युग में, अगर मैं इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कहूँ तो गलत नहीं होगा, ये CPU है। उस CPU में मैसेज जाते हैं, वो मैसेज कहाँ से आते हैं, CPU में कहाँ से आते हैं, जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं तो हम दबाते हैं, तो इसी तरीके से हमारे मस्तिष्क में भी कहीं से आता है। मस्तिष्क अपने आप कोई विचार क्रिएट नहीं करता, और वो विचार जो आते हैं वो हमारे मन से आते हैं, मन में विचार जनरेट होता है, वो मस्तिष्क पे जाएगा, मस्तिष्क फिर ग्रंथियों को डायरेक्शंस भेजेगा। हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम है, अंदर इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, तरंगों के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्रेन मैसेज भेजता है, और फिर हमारे ऑर्गन्स अकॉर्डिंगली काम करते हैं, फिर हमारे अंग भी काम करते हैं, हमारे हाथ पैर भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो बेसिकली मन से विचार मस्तिष्क में, मस्तिष्क देगा डायरेक्शंस, हमारी ग्रंथियाँ वैसे काम करेंगी। अब इसमें एक चीज़, मैं बहुत पहले मैंने किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था, मेरी जानकारी नहीं थी, तो एक मेडिकल फील्ड में एक प्लेसिबो इफेक्ट कहलाता है, तो उन्होंने बताया था, मेरे अपने फैमिली डॉक्टर्स हैं, काफ़ी टाइम पहले की बात है, तो उन्होंने बताया जब हॉल वार्ड में पोस्टिंग होती थी, तो रात को हमने एक पेशेंट को दवाई देनी है, दर्द बहुत है, प्रिस्क्राइब बहुत से ज़्यादा एक्सीड कर नहीं सकते, तो उतनी दवाई दे देते थे, फिर भी वो चिल्ला रहा है, सबको डिस्टर्ब कर रहा है, तो अब फिर मुलाकात होगी, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, घर में ही रहिएगा, चाहे ये कंडीशंस रिलैक्स हो जाएं, गवर्नमेंट तो रिलैक्स कर दी कि अपने हिसाब से उनको बहुत कुछ देखना है, पर हमें अपनी सेहत देखनी है, हमने गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं जाना है, हमने अपने हिसाब से जाना है, अपने लिए क्या अच्छा बुरा क्या हमने करना है उसके लिए है। घर में रहने में भी अपना मज़ा है, वैसे मैंने कहा आपस में रिश्ते अच्छे बना लो, ये मौका कभी नहीं मिलता है, ये बार बार मौका नहीं आता है। अब आजकल मैं ही देखता हूँ, मेरा 3-4-5 घंटे फ़ोन पे जाते हैं, कईयों को फ़ोन मैं करता हूँ, आते हैं दिन में 3-4-5 घंटे मेरे फ़ोन पे जाते हैं, उनसे क्या है रिश्ते जुड़ते हैं, आपस में हालचाल बनता है, आजकल फ्री हैं और कोई काम नहीं है, तो इस पीरियड को मेरा एक अर्ज है आप सबसे, अपने रिश्ते को स्ट्रांग बनाइए, अपने घर में अपने परिवार में जिनके साथ बहुत पहले बात की थी उनसे बात करिए, रिश्ते जितने अच्छे हमारे मजबूत होंगे उतनी हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी, ये मैं शर्तियाँ देता हूँ, उतना ही सुख होगा, उतना ही चैन होगा, उतनी आराम से रात को नींद आएगी। अगर आपका रिश्ता कोई ख़राब है, तो वो आपको सोने भी नहीं देता, नींद भी नहीं आती है, सारा दिन खटकता है, दिमाग में बैकर हैमर करता रहता है, तो रिश्तों को ध्यान दो, अपने रिश्ते जब तक हम नहीं संवारेंगे हम सुखी जीवन नहीं काट सकते। अब मैं इसी का एग्जांपल देता हूँ, मैं आज भी इसको बहुत याद करता हूँ, ये लगता है ये आज मेरे साथ है, यही मेरी प्रेरणा है, यही मेरी ताकत है, वो क्यों है, क्योंकि एक रिश्ता, एक जुड़ाव आपस में, वो तब भी था अब भी है, मेरा रूहानी संबंध है, और रिश्ते ऐसे नहीं बनते हैं, अच्छे रिश्ते बनने के लिए जो आप दूसरों से चाहते हैं दो। मैं कई बार सोचता हूँ मेरा विमला के साथ इतना संबंध क्यों है, मैं दुनिया में देखता हूँ, मैं दुनिया देख रहा हूँ, मैं सीनियर सिटीजन फोरम का प्रेसिडेंट हूँ, मैं इतना सब देखता हूँ क्लोजली, इसी इसका और मेरा रिश्ता अच्छा होने का एक ही कारण है, इसकी खुशी में मेरी खुशी थी और मेरी खुशी में उसकी खुशी थी, बस एक ही सिंपल प्रिंसिपल, जिसको हम खुशी देंगे वो आपको खुशी देगा, जिससे रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं उसको खुशी दीजिए, उसको इज्जत दीजिए, उसको प्यार दीजिए, भरपूर प्यार वापस मिलेगा, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। देख रहे हैं सब मुझे अभी भी, और काफ़ी एप्रिसिएशंस आ रही हैं, सब ये बोल रहे हैं तो अच्छा तो लग रहा है, इसलिए मेरी हौसला अफजाई हो रही है, बहुत चलता जा रहा है आगे।
तो उसमें मन करता है कुछ दिल की बातें कहूँ। चलो मैं एक चीज़ और कह दूँ, चलिए जो सुन रहे हैं उनके लिए, कि हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा एक तो एक्टिव माइंड है, एक सबकॉन्शियस है। सबकॉन्शियस माइंड अपना काम करता रहता है, हम सोचते नहीं हैं, वो अपने आप ही अपने हिसाब से काम करता है। तो उसमें भी बहुत बड़ी पावर है, सबकॉन्शियस माइंड में बहुत बड़ी पावर है। और कई बार आपने देखा होगा, रात को हम, मुझे अपना एक्सपीरियंस है, रात को हम सो रहे हैं, एक मैथ्स का प्रॉब्लम था, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है, उसके सोचते सोचते मैं रात को सो गया, रात भर वो अपने आप चलता रहा, मैं सोच नहीं रहा हूँ, सुबह उठ के ध्यान आया ये ऐसे हो जाएगा। ऐसा एक्सपीरियंस आपके साथ भी हुआ होगा। तो हम सबकॉन्शियस माइंड को काम दे सकते हैं, वो काम वो हमारे लिए करता रहेगा। तो उसके एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। जो भी हम ज़िंदगी में चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इवन बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, रिजल्ट है, कुछ अच्छा है एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस है, या इंटरव्यू के लिए जाना है, हम सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज़ कर सकते हैं। अगर मन में सोचें कि मेरा यहाँ सिलेक्शन होगा, रात को सोचें, तो अपने आप ही सुबह उठते ही ध्यान आएगा, अच्छा ये चीज़ देख लो। आउट ऑफ द ब्लू कभी आपने सोचा नहीं होगा, वो किताब सोचेंगे, वो पढ़ के जाएंगे, वही एग्ज़ाम में वहाँ मिलेगा आपको। तो ये कैसे होता है, ये कैसे होता है? चांस नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। वो सबकॉन्शियस माइंड हमें गाइड करता है, हमारे रास्ते बनते हैं, हमें मदद करने वाले लोग मिल जाएंगे। बैठे बैठे ध्यान आएगा, इसके लिए यार कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, मैं उसको फ़ोन कर लूँ, ये ऐसे ही आ जाएगा। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड करता है। तो उस सबकॉन्शियस माइंड की हम पावर यूज़ करें, अपनी ज़िंदगी को और अच्छा बना सकते हैं, सुखी जीवन गुजार सकते हैं, सुख सबको दे सकते हैं। और एक्चुअली क्या है ना, कि बेसिकली सारी ज़िंदगी हम भटकते हैं खुशी की तलाश में, सारी ज़िंदगी हम खुशी की तलाश में भटकते हैं। क्यों? खुशी है सब, जो गाड़ी लेनी है उसमें भी खुशी है, खाना खा के फाइव स्टार गए तो वो भी खुशी है। बेसिकली यू नीड हैप्पीनेस विद इन। तो उसमें होता क्या है, जो चीज़ें हैं उसमें खुश होते नहीं हैं, जो अपने पास है उसकी कीमत जानते नहीं, दौड़ते उसके पीछे हैं जो अपने पास नहीं, जो अपने पास है उसकी कीमत जानते नहीं, दौड़ते हैं उसके पीछे जो अपने पास नहीं। इसी दौड़ भाग में ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, मृग तृष्णा कभी पूरी होती नहीं है, मृग तृष्णा कभी पूरी नहीं होती है। तो बेस्टेज जो है उसमें सुख पाएं, जो है उसमें सुख पाएं, हमेशा आदमी सुखी रह सकता है। मुझे इसके ऊपर एक एग्जांपल याद आ रहा है अपनी ही, बहुत पुरानी बात है, आई थिंक 86-87 की बात होगी, 87 मैंने गाड़ी ली थी पहली बार, फिर पुरानी सेकेंड हैंड। हम गाड़ी में जा रहे थे चारों, मेरी दो बेटियाँ पूजा सीमा विभाव में, तो रास्ते से गुजरे हैं, स्टिल मुझे वो सीन सामने आ रहा है, रेडफोर्ट से पहले लेफ्ट साइड पे एक फैमिली बैठी हुई थी, हस्बैंड वाइफ थे, दो तीन बच्चे थे उनके, और खाना पका रहे थे, वो जलाते थे लकड़ियाँ जला के, ईंटें लगा के उन्होंने बना रखा था। तो मेरा ध्यान गया, मैंने बच्चों से कहा देखो वो कितने खुश हैं, उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। और साथ ही मैंने कहा ये साथ में गाड़ी वाले उस आदमी को देखो क्या है, मुरझाया हुआ चेहरा, बड़ी गाड़ी में जा रहा है, और वो रास्ते पर फुटपाथ पर बैठे हुए थोड़े से में भी खुश हैं। तो खुशी हमारी अंतर होती है, खुशी बाहर से नहीं आएगी, खुशी कहीं मिलती नहीं है। वी हैव टू क्रिएट विद इन आवर सेल्व, वी शुड लर्न टू बी हैप्पी विद इन आवर सेल्व। हम अपने अंदर खुश होना सीखें तो खुश रहेंगे, बाहर की चीज़ों से खुशी नहीं मिलेगी। आप मर्सिडीज ले आए, रात को बड़े अच्छे से तीन दिन बीते, उसके बाद देखा उसके बाद और बड़ी है, नया मॉडल है, बस खुशी ख़त्म, खुशी आपकी वहीं की वहीं ख़त्म। अरे यार ये तो गाड़ी नहीं है यार, मुझे तो वेट करना चाहिए था, नया मॉडल आ गया, ये तो मेरे पास पुराना है। तो चीज़ों में खुशी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप आगे मत बढ़ो, हमें आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए, चीज़ें चाहिए, सब दुनिया में रहते हैं तो दुनिया के हिसाब से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। बट मेहनत करो ना कि दुखी होकर, जिसमें हो खुश रहो, आगे बढ़ो, नहीं मिलता है कोई बात नहीं है, दुखी नहीं होंगे, दुखी हम नहीं होंगे। बेसिकली मन में मिल जाता है तो बहुत अच्छा है, नहीं मिलता है तो भी खुश हूँ। अब मुझे याद आता है विमला का, मेरा रिटायरमेंट हुआ, काफ़ी सारा पैसा मिला, सब कुछ हुआ, मेरे बच्चे दोनों फॉरन हुआ, कई जगह गई दोनों बेटियाँ, दामाद वगैरह सब गए, मैंने इससे कहा
अगर चल यार हम भी चक्कर लगा लेते हैं, पैसा तो है, रिटायरमेंट मिल गया, तो आई एम ए किंग। कहती क्या करेंगे जाके, कई बार घूमने जाते थे, पर्सनल बात बता रहा हूँ, आई एम जस्ट शेयरिंग। तो मैं कहता चल उस होटल में चल के चाय पी लेते हैं। कहते हमारा घर कोई फाइव स्टार से कम है क्या? तो हमें अपना घर ही फाइव स्टार लगता था, हमें फाइव स्टार में जाने के लिए खुश होने की ज़रूरत नहीं थी, मेरा घर ही फाइव स्टार है। हम अपने बालकनी में जो चाय पीते थे उसी में आनंद आ जाता था। अंदर है, बाहर से खुशी कहीं से नहीं आएगी। तो खुशी अगर आती होती, खुशी अगर आती होती तो पैसे वाले कोई दुखी नहीं होते। और ये मेरा मान लीजिए आप, जिनके पास जितनी जायदाद, ज़मीन जायदाद वगैरह जितनी ज़्यादा है, वो ज़्यादा परेशान होते हैं। उनकी परेशानियाँ हम सोच भी नहीं सकते। बाहर से बहुत दिखता है, बहुत दिखता है बाहर से। सभी एक खुशी का मुखौटा पहन के चलते हैं, अपना दर्द सीने में छुपा के रखते हैं और खुश नजर आते हैं। और खुश वो है जो इंटरनली खुश है। एनीवे मेरा ख्याल है मैं रुकूं, 9:10 है, आपने मुझे 50 मिनट सुना है। आई एम सो हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के देख के, जब टाइम देखा तो आप 50 मिनट तक मुझे झेलते रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। आई एम ग्रेटफुल टू ऑल। बहुत से मैसेजेस आ रहे थे एप्रिसिएशन वगैरह के, ये रेड एंड ब्लू स्टार्स वगैरह सब चल रहे थे, सुंदर आ रहे थे। मैं इसका कुछ नहीं कह पाऊँगा, किसी का नाम प्लीज़ नहीं ले पाऊँगा। मेरे अपने परिवार के हैं, सीमा है, पूजा है, संदीप दिख रहा है, और कुछ कुछ दिख रहे हैं, इशिता है, हरीश बुम्बानी, सो लाइक दैट, और लोग हैं, दीपक नज़र आया था, तो लाइक दैट। इस तरीके से मैं सबका आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं फिर बातों में बहक ना जाऊँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहीं बंद करता हूँ। हम अपने कर्म पे ध्यान दें, कर्म पे ध्यान दें, जो आप चाहते हैं दूसरों से वो आप दें। बस इन दो शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब मैं आगे बंद कर रहा हूँ, अब मैं बंद करता हूँ, प्लीज़। थैंक यू ऑल, थैंक यू।